सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती मौत के आंकड़ों की खबर प्रकाशित करने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसके बाद देश रिव्यू कमेटी का गठन कर मृत्यु दर की समीक्षा की गई है। लेकिन इस समीक्षा में सिर्फ नामात्र का खाना पूर्ति ही देखने को मिली है, क्योंकि डीएमई साहेब आदले समीक्षा मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किस वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस खबर का असर करते हुए डीएमई से डेथ रिव्यू कमेटी डीकेएस हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां क्या कुछ कारण निकल के आए, इसके ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएमई अदले सर जी हैं, तो उसे हम जानते हैं कि क्या कुछ कारण है। सर, मौत का कारण सामने आया था 5 महीने में 1000 की मौत के बाद, क्या कुछ कारण आए हैं इसके? देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से जैसे ही आप लोगों का समाचार आया, मैंने डेथ रिव्यू कमेटी बनाई और पूरा डेटा जो है रिट्रीव किया। उससे मैं ये बता सकता हूँ कि अभी तक के हमारे यहाँ 8400 समथिंग डेथ 29 मई तक के रिपोर्टेड थे, और मतलब पेशेंट एडमिशन रिपोर्टेड थे, और उसमें डेथ 1414 थे। तो वैसे देखेंगे तो ये 16% आता है, और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग चाहिए, खासकर ऐसे केसेस में जहाँ न्यूरो सर्जरी के ट्रामा के केसेस, रोड एक्सीडेंट के केसेस और बर्न के आते हैं। साधारण केसेस आते हैं उसमें तो मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम रहती है, तो उससे हमारा स्टैटिक्स डगमगाता नहीं। लेकिन जब ऐसे सीरियस केसेस जिनमें की डेथ की या मॉर्बिडिटी की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वो केसेस आते हैं, तो वहाँ डेथ स्वाभाविक है थोड़ा ज्यादा रहता है सामान्य अस्पताल से। इन किन मापदंडों के आधार पर समीक्षा की गई है? पहला तो हम ये देखें कि ज्यादातर मरीज जो आए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो किस बीमारी से ग्रसित थे। तो हमने पाया कि अधिकांश जो मरीज हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे, जिनको हेड इंजुरी थी, इंट्राक्रेनियल हैमरेज था, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट थे, न्यूरोलॉजिकल इंजुरी थी, स्पाइनल कार्ड इंजुरी था, मल्टीपल ट्रामा था, और बर्न के केसेस थे जो 60-70%, इवन कई लोग 90% बर्न भी आए हुए थे। और ये अधिकांश दुर्भाग्यवश कहीं पहले इलाज करा के 4-5 दिन बाद आए थे हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं उसमें मेरी प्रयास करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो मापदंड होता है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हॉस्पिटल में है, ये इसकी समीक्षा की गई है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मापदंड के अनुसार हमारे पास उपकरणों की तो पर्याप्त संख्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी हमारे पास डॉक्टरों की जो संख्या है बहुत कम है। या जो उपकरण है वो स्वचालित है, अभी चल रहे हैं या बंद है स्थिति? देखिए, मरीज की जो प्रवेश संख्या है उसको देखते हुए जितने मतलब उपकरण हमारे पास है वो पर्याप्त है उनको डील करने के लिए। हमारे पास वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में है, हमारे पास डायलिसिस मशीन पर्याप्त संख्या में है। हम प्रतिदिन 20 का करते हैं, लेकिन हमारे पास 20 से 30 का होता है, लेकिन हमारे पास 60 मशीन है। वेंटिलेटर हमको प्रतिदिन 10 से 15 लोग मरीजों को लगता है, लेकिन हमारे पास 30 से 40 वेंटिलेटर है डिफरेंट किस्म के। और बाकी वाइटल चेकअप के लिए हमारे पास हर एक मरीज के साथ मल्टीपैरा मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, ये मशीनें तो हैं, हमारे पास बेड भी है। हाँ, आपसे आप जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की टीम वहाँ पे गई थी, और ये टीम क्या पहले से गठित था या खबर चलने के बाद बनाई गई थी? नहीं, वहाँ पे तो दो डॉक्टरों की टीम गई थी, और हम जो है जैसे ही आपका समाचार हमने सुबह देखा और तत्काल हम ये आके गठित किए। वैसे तो मुझे शाम को ही व्हाट्सएप में पता चल गया था, रात में ही, लेकिन मैं सुबह आते ही ये गठित किया और दोनों टीम को जाके ये गाइडलाइंस दिया कि भाई क्या देखना है। उन्होंने देखा और डाटा निकाल कर मुझे। टीम में कौन कौन थे? टीम में डॉक्टर जितेंद्र तिवारी थे और डॉक्टर वो थे, क्या नाम उनका, प्रतीक प्रधान। आपने सुना डीएमई आदले जी को, जिनका साफ कहना है कि खबर चलने के बाद टीम बनाई गई थी, जो डीकेएस हॉस्पिटल पहुंचकर समीक्षा करके आए हैं, उसके नतीजों के आधार पर उन्हें जो कुछ कहा अभी आपने सुना। तो इस तरह जो मौत की दर बढ़ती जा रही है उसकी समीक्षा अभी जारी है, अभी भी समीक्षा की अवधि अभी कुछ और बढ़ सकते हैं। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।